हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10 अगस्त 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और इसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन से मनोज सिंह ने, ऑप्शन बी डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने, ऑप्शन सी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, और ऑप्शन डी शांतनु झा ने। तो प्रश्न संख्या एक, IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने की है। प्रश्न संख्या दो है कि ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसे प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया है? ऑप्शन से अहमद हचानी, ऑप्शन बी कामिल मदौरी, ऑप्शन सी मैथ्यू जॉन, और ऑप्शन डी नाजला वैदंत रामधाने। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अहमद हचानी। प्रश्न संख्या तीन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? ऑप्शन से PR श्री रजेश, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी हार्दिक सिंह, और ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या तीन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रश्न संख्या चार, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों के नए मूल अभयारण्य स्थापित किए हैं? ऑप्शन से ए असम और केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या चार, केंद्र सरकार ने हाल ही में दो राज्यों कर्नाटक और केरल में मूल अभयारण्य स्थापित किए हैं, जबकि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि जर्मनी को सिल्वर मेडल मिला और भारत को ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक। प्रश्न संख्या पाँच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन से 3 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, और ऑप्शन डी 6 लाख। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख। प्रश्न संख्या छः, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? ऑप्शन से नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी PR श्री रजेश, और ऑप्शन डी PV सिंधु। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी PR श्री रजेश, जिन्होंने ओलंपिक खेलों के समापन के साथ ही मतलब भारतीय हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या सात है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या आठ है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष पदभार कौन ग्रहण करेंगे? ऑप्शन से दिनेश कुमार खर्रा, ऑप्शन सी समीर सक्सेना, ऑप्शन सी CS सेठी, और ऑप्शन डी मनोहर जोशी। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CS सेठी, भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। प्रश्न संख्या नौ है कि लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन से राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, और ऑप्शन डी अमित शाह।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन डी अमित शाह द्वारा। प्रश्न संख्या 10, एक पांडिचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए के कैलाश नाथन को, ऑप्शन बी सी पी राधाकृष्णन को, ऑप्शन सी किरण बेदी को और ऑप्शन डी वीरेंद्र कटारिया को। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन ए के कैलाश नाथन को। प्रश्न संख्या 11 है कि दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे 2024 कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त और ऑप्शन डी 10 अगस्त। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10 अगस्त को, 8 अगस्त को। दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय क्रिकेट टीम किसके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से हार गई है? ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। प्रश्न संख्या 12, भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-0 से हार गई वनडे सीरीज। पहला मैच टाई रहा था, दूसरा मैच श्रीलंका ने 32 रनों से जीता और तीसरे मैच में भारतीय टीम को 134 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ 27 वर्षों के बाद ODI सीरीज जीती है, जबकि भारतीय टीम ने T20 में श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से श्रीलंका को हराया था। यह भारतीय टीम के जो हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर का पहला दौरा था और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 13 है कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 9 अगस्त से तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर कौन से देश जा रहे हैं? ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी मालदीव। प्रश्न संख्या 14 है, किस राज्य के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। राज्य के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह अब जय हिंद कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, किसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? ऑप्शन से DRDO ने, ऑप्शन बी इसरो ने, ऑप्शन सी IIT कोलकाता ने और ऑप्शन डी IIT मुंबई ने। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है DRDO ने। प्रश्न संख्या 16 है कि संकट के चलते किस देश ने 13 प्रजातियों को संकटग्रस्त सूची में जोड़ा? ऑप्शन से श्रीलंका ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड ने और ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी इंग्लैंड ने और ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन ए न्यूजीलैंड ने। प्रश्न संख्या 18 है कि किस राज्य सरकार ने नई माताओं को 6 महीने की उम्र तक अपने शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करने में पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न संख्या 19 है कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में
50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की, वह किस से राज्य से हैं? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हरियाणा। प्रश्न संख्या 20, एक अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस इंटरनेशनल लायन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त और ऑप्शन डी 10 अगस्त। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन डी 10 अगस्त को। प्रश्न संख्या 21, से इसरो ने अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को किस रॉकेट के जरिए अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.08EOS-08 लॉन्च करेगा? ऑप्शन से एरियन 5, ऑप्शन बी SSLV-D3, ऑप्शन सी PSLV-C48 और ऑप्शन डी GSLV-MK3। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस 15 अगस्त 2024 को SSLV-D3 रॉकेट या सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। DRDO इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।